नमस्कार। ऋषभ पंत को लेकर इंग्लैंड से एक बहुत बड़ी खबर आई कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और फिलहाल 10 दिनों के आइसोलेशन में रहेंगे। 18 जुलाई को उनका कोविड टेस्ट होगा और अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है उसके बाद 7 दिन तक और वो क्वारंटीन रहेंगे। लेकिन इसी बीच जैसे ही ये खबर हिंदुस्तान पहुंची, उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं या जो टीम इंडिया में पहले रह चुके हैं उनकी तरफ से उन्हें एक तरीके से सही सलामत रहने के लिए और उनके स्पीड रिकवरी के लिए दुआएं होने लगी। मैं दो ट्वीट आपको पढ़कर बताता हूं। सबसे पहले हरभजन सिंह ने ट्वीट किया है और दूसरे प्लेयर हैं सुरेश रैना, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, हम सब यही चाहते हैं, हम सब आपकी स्पीड रिकवरी की दुआ मांगते हैं। ये सुरेश रैना ने लिखा है। दरअसल पंत फिलहाल टीम इंडिया के साथ डरहम नहीं जा रहे क्योंकि वो पॉजिटिव हो गए हैं। बीसीसीआई की ओर से पंत को लेकर अभी तक हालांकि कोई भी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि पिछले सप्ताह कोविड-19 की जो टेस्ट हुई थी उसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि जो छूट बीसीसीआई की तरफ से दी गई थी उस छूट का नाजायज़ फायदा उठाया प्लेयर्स ने। पंत के लिए हरभजन सिंह और सुरेश रैना ने ट्वीट किए हैं। हरभजन सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, आप जल्द ठीक हो जाएं चैंपियन ऋषभ पंत। भारत को अभी 4 अगस्त से, यानी वक्त है 4 अगस्त से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेलनी है और ऐसे में पंत जो की प्लेयर हैं भारत के उनका फिट होना बहुत ज़रूरी है। पंत का 18 जुलाई को फिर से कोविड-19 का टेस्ट होना है और खबर आ रही है कि 18 जुलाई तक पंत आइसोलेशन में ही रहेंगे और 18 जुलाई को उनके आइसोलेशन का 10 दिन पूरा हो जाएगा। बड़ी बात ये कि अभी तक इस खबर को छिपाई गई आप लोगों से। अगर 10 दिन 18 जुलाई को पूरा होगा इसका मतलब कि 8 जुलाई के आसपास ऋषभ पंत कोरोना पॉजिटिव हुए थे और फैंस से ये बात छिपाई गई। बीसीसीआई के सूत्र के हवाले से ऐसी भी खबर आ रही कि पंत किसी भी भारतीय क्रिकेटर के कॉन्टैक्ट में नहीं है, ऐसे में बाकी क्रिकेटर को आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एक और प्लेयर कोरोना पॉजिटिव हुआ है, वो प्लेयर अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड टूर पर गया था लेकिन उसका नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया है। हम भी एक क्रिकेट फैन होने के नाते यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर ऋषभ पंत मैदान पर लौट आएं।